हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैरी बैग बनाएंगे। कैरी बैग में एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें हम कैरी बैग को अंदर रख सकते हैं। ये देखिए, कैरी बैग बाहर आ गया पॉकेट से, छोटी सी पॉकेट है, काफ़ी बड़ा ये कैरी बैग है। इसको हम फोल्ड करके वापस पॉकेट में रख लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करना है, नीचे और ऊपर से फोल्ड करके इस तरीके से हम पॉकेट में डाल लेंगे। एक छोटा सा हैंगर भी लगा है, कहीं भी इसे आसानी से ले जा सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी बैग बनाने के लिए मैंने 15 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और कपड़े की लंबाई 16.5 इंच है। आप इसे बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं। सेम साइज़ के हमें दो कपड़े लेने हैं। किसी भी एक पीस को बीच से फोल्ड कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फोल्ड वाले तरफ से हमें 6 इंच पे मार्क करना है, 6 इंच पे मार्क कर लिया है। और जो खुली साइड है उधर से हमें 8 इंच पे मार्क करना है। फोल्ड वाले हिस्से पे हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है। और जो खुला हिस्सा है उधर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। एक से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, 1 या 1.25। और इसे नीचे 8 इंच तक मिला लेंगे। नीचे की तरफ हम तिरछा करते जाएंगे। 3 इंच से हम नीचे 6 इंच तक मिलाएंगे। इस तरह चौकोर करके हल्की सी गोलाई देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे भी बीच से हम फोल्ड कर लेंगे और जिस पीस की हमने कटिंग की है उसको पहले वाले पीस के ऊपर रखेंगे। कटिंग के अनुसार लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। दोनों पीस की कटिंग हो गई है। ये देखिए, दोनों पीस तैयार हो गए हैं। जहाँ हमने गोलाई में कटिंग की है वहाँ पे हमें स्टिच करना है। कपड़े को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, करीब 0.5 सेंटीमीटर, और दोबारा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। बीच में भी हमें इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई करनी है और किनारे भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए, हमने सिलाई कर ली है किनारे किनारे से। बिल्कुल थोड़ी सी हमें सिलाई करनी थी, दो बार फोल्ड करके हमने सिलाई कर ली है। बैक के दोनों पार्ट में इसी तरीके से सिलाई कर ली है। अब कैरी बैग के लिए हमें पॉकेट लगाना है। दोनों पॉकेट के लिए हमें दो पार्ट चाहिए। दोनों पार्ट की चौड़ाई 4.5 इंच है। ये भी 4.5 इंच चौड़ा है और नीचे वाले की विड्थ भी 4.5 इंच है। ऊपर वाले पीस की चौड़ाई लंबाई 4 इंच है और नीचे वाला पीस इससे डबल है, 8 इंच है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। बीच से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से हमें सिलाई करना है। बीच में थोड़ी सी जगह खुली रखनी है, बाद में इसे सीधा करेंगे। इसमें भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है और बीच में थोड़ा सा खुला रखेंगे। पॉकेट को मैंने सिल लिया है। कोनों को हल्का हल्का काट लीजिए, जिसे हम सीधा करेंगे तो आसानी से सीधा हो जाएगा। जो खुली जगह है उसमें से हम इसे सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और छोटे वाले पीस को भी हमें इसी तरह से सीधा कर लेना है। इसके भी अच्छी तरह से कॉर्नर निकाल लेंगे।
ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम पॉकेट के लिए हैंगर बनाएंगे। 2 इंच चौड़ाई है और लंबाई लगभग 9 इंच है। दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जहाँ से हमने सीधा किया था वहाँ पे खुला है, उस पर सिलाई कर लेंगे। दोनों पॉकेट में हमें खुली जगह में सिलाई कर लेनी है और जो हमने हैंडल बनाया है उसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे रखना है और सिलाई कर लें। अब हम पॉकेट को कैरी बैग में लगाएंगे। तो कोई भी एक पार्ट ले लीजिए और उसका सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। यहीं बीच में हमें पॉकेट को लगाना है। जो हमने हैंगर लगाया है, हैंडल लगाया है, वो पीछे की तरफ रखेंगे और पॉकेट को हमें इस तरह से लगाना है कि ऊपर और नीचे बराबर जगह रहे। नीचे से हमें सिलाई के मार्जिन के लिए थोड़ी सी जगह लेनी है, उसके अलावा लगभग 3-3 इंच बच रहा है। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। पॉकेट के छोटे वाले भाग के ऊपर हमें ओवरलैप करके बड़े वाले पार्ट को रखना है। इसके ऊपर से हमें रखना है, देखिए इतना इतना सा, करीब 1 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। दोनों साइड ऊपर रखते हुए हमें ठीक से बीचों बीच कर लेना है। उसके बाद चारों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। पॉकेट बन गया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पीस रख देना है अच्छी तरह बराबर करते हुए। ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। ऊपर हमने सिलाई कर ली है। अब कैरी बैग को हम सीधा कर लेंगे। इस बार हम सीधी साइड से सिलाई करेंगे। ये छुपी हुई सिलाई होगी, एक बार सीधी तरफ से, एक बार उल्टी तरफ से। तो अभी हम तीनों साइड यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हमने सिलाई की है। हल्का सा मार्जिन लेते हुए, करीब 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई की है। अब बैग को हम उल्टा कर लेंगे। ये हमने उल्टा कर लिया है। अब हम दोनों किनारों पे एक बार फिर से सिलाई करेंगे। इस बार भी 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेंगे जिससे अंदर वाली सिलाई छुप जाएगी। दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। अब हैंडल को बीच से फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और अब हम नीचे सिलाई करेंगे। करीब 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए हमने नीचे सिलाई कर ली है। अब कैरी बैग को सीधा कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने से अंदर बाहर कहीं भी सिलाई नहीं दिखती है। बीच से हैंडल को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। इस तरह से बीच से हैंडल को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई चला ली है और हमारा कैरी बैग बन गया है। पॉकेट भी लगी है। देखिए कितना बड़ा कैरी बैग है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ सकता है। आप चाहे तो इसे भी बड़ा कैरी बैग बना सकते हैं। बस पॉकेट का ध्यान रखना है कि पॉकेट हमें इस तरह से लगानी है कि आगे पीछे दोनों साइड बराबर कपड़ा हो। ऊपर नीचे दोनों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो पॉकेट है हमने बड़े वाले भाग को इस तरह से अंदर से फोल्ड करना है और इसके बाद हम ऊपर वाले भाग को फोल्ड करेंगे और हमारा हैंडल भी बाहर निकल आएगा। अच्छी तरह से कॉर्नर निकाल लीजिए और ये हमारा छोटा सा पॉकेट तैयार हो गया है। कहीं भी से लेकर जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।